गुड मॉर्निंग क्लास, आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बच्चे 2024 में एसएससी का पेपर देने वाले हैं। चाहे वो पेपर जो है आपका एसएससी सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, या फिर मान लिया सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, सभी बच्चे के लिए ये बेनिफिशियल है। बहुत बच्चे का जो है रिक्वायरमेंट था कि सर जो है ग्रामेटिकल पोर्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ हो रहे हैं कवर, लेकिन जो है वर्ड तैयार नहीं हो रहे हैं। आखिर वर्ड के लिए हम क्या करें, कैसे वर्ड तैयार करें? तो देखो बेटे, ऐसा है ना कि वर्ड जो है बहुत अथाह है, समुद्र है। इसको जो है मान लिया जाए कि आप रट्टा मार करके तैयार तो कर नहीं सकते हो। बाद बाकी जो है फिलहाल तो हम जो है 10 साल का प्रीवियस ईयर का वर्ड जो है हम जो है तैयार कर रहे हैं। इसमें जो है हम जो है आप लोग के लिए जो है 100 वीडियो बनाएंगे और हर एक वीडियो में 15 वर्ड जो है आप लोग का तैयार करवाएंगे। तो आप लोग का हो जाएगा 1500 वर्ड तैयार हो जाएंगे। अगर 1500 वर्ड तैयार हो गए हैं तो ये मोर देन एनफ हो जाएंगे किसी भी पेपर के लिए, ठीक है। 2024 की बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो हमको जो है 15 वर्ड जो है डेली तैयार करने हैं। उसके बाद जो है देखो, पहली बात तो ये जान लो कि सारे वर्ड जो है प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो पहले जो है प्रीवियस ईयर का सारा वर्ड हमको करना है। अब जो है ये वर्ड जो है रट्टा मार के तो तैयार होंगे नहीं, तो हम इसके लिए एक तरीका बताते हैं कि इसको जो है सिर्फ लाइफ में, पूरी लाइफ में आप एक बार पढ़ोगे और ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और ऐसे ही पर डे जो है आपको 15 वर्ड जो है तैयार करना है, ठीक है। तो हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला नंबर तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं, फिर जो हम काम की बात करेंगे कि जो है इसको कैसे जो है हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम इसको राइट करके याद करेंगे तो 2-4 दिन याद रहेंगे, और फिर अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर हम इसको भूल जाएंगे। तो हमें इसको क्या करना है कि एक ऐसे जो वर्ड से लिंक कर देते हैं जो कि दिमाग मेरा जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। देखो, जरूरत का बात जो है दिमाग मेरा जो है रखता नहीं है, और फालतू बात दिमाग जो है जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फालतू लिंकअप करेंगे, फालतू बातों से लिंकअप करेंगे ताकि जल्दी से हमको ये याद हो जाए। अब देखो, पहला वर्ड है रंबल। रंबल मतलब क्या होता है, चीखना और चिल्लाना होता है। अब इसको हमको याद अगर रखना है हमेशा के लिए तो इसको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब देखो, रम तो समझ रहे हो, रम क्या होता है, एल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति जो है उसको अगर रम का बोतल पिला दो तो क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, जो जो से चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, ठीक है ना। तो रंबल मतलब क्या होता है, चीखना चिल्लाना। रम पी करके क्या कर रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा। रंबल मतलब चीखना चिल्लाना, बोलने एक साथ। एक बात तैयार कर लो, ये जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉरिंग। टॉरिंग मतलब क्या होता है, विशाल शक्तिशाली। टॉरिंग मतलब विशाल शक्तिशाली। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो, टॉरिंग मतलब टावर, टॉरिंग मतलब टावर, इतना आप याद रखो। और टावर जो होते हैं कैसे होते हैं, विशाल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। टावर तो आप लोग देखे होंगे, टावर कैसे होते हैं, विशाल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो टॉरिंग मतलब विशाल और शक्तिशाली। नेक्स्ट है डेंटी। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखे होंगे दिन में आंटी लोग को, दिन में आंटी जो है मेकअप करके निकलती है तो कैसी लगती है, आकर्षक लगती है। कैसी लगती है, आकर्षक। और सुबह सुबह उसी का चेहरा देख लो बिना मेकअप का, तो हार्ट अटैक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब होता है जोशीला। इसको लिंक करने हैं, फर्वेंट को लिंक करने हैं सर्वेंट से। सर्वेंट बेटे कैसे होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए। फर्वेंट सर्वेंट, फर्वेंट सर्वेंट, सर्वेंट कैसा, फर्वेंट कैसा होना, फर्वेंट मीन्स जोशीला, यानी फर्वेंट को लिंक करेंगे सर्वेंट, सर्वेंट कैसा होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एक्सट्रीपेट। नेक्स्ट है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट मतलब क्या होता है, कम करना होता है। एक्सट्रीपेट मतलब कम करना। अब देखो, किसी का पेट हो गया एक्स्ट्रा, बाहर निकल गया, तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। किसी किसी का देखो पेट निकल जाए तो क्या करता है, जिम ज्वाइन कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसका पेट कम हो जाए। तो एक्सट्रीपेट, पेट एक्स्ट्रा हो गया, क्या करना, उसको कम करना, एक्सट्रीपेट कम करना, एक्सट्रीपेट कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडामोनियम। पेंडामोनियम मतलब देखो, ये तीनों का तीनों सिनोनिम से है, ठीक है ना। इसका मतलब ही शोरगुल कोलाहल, इसका मतलब ही शोरगुल कोलाहल, कमोशन मतलब ही शोरगुल कोलाहल। अब इस तीनों को याद कैसे रखेंगे, तो पेंडामोनियम। अब सुबह सुबह उठे पांडे जी हारमोनियम लेकर के बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, शोरगुल करेंगे, कोलाहल करेंगे। ठीक उसी प्रकार अपरोर। अब जो है कोई जोर जोर से चीख रहा, चिल्ला रहा, हम उसको क्या बोलेंगे कि आप रो करके क्या कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन मतलब ये होता है शोरगुल कोलाहल। कमोशन, कमोशन को याद रखना, कमीशन। कमीशन नहीं मिला, क्या करेगा, शोरगुल करेगा, कोलाहल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिजन। आर्टिजन,
आर्टिजन मतलब होता है बेटे कलाकार, आर्टिजन मतलब क्या होता है कलाकार, आर्टिजन मतलब कलाकार। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आर्ट की शान, आर्ट की शान, आर्ट की शान क्या कहलाता है कलाकार कहलाता है, आर्ट की शान कलाकार कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सगेसियस, सगेसियस अब देखो इसको कैसे याद रखें, सगेसियस मतलब होता है बुद्धिमान। इसको कैसे लिंक करेंगे, देखो साग खाने वाला व्यक्ति जो होता है वो अक्सर क्या होता है बुद्धिमान होता है, साग खाने वाला व्यक्ति इसको इतना याद रखो, साग खाने वाला व्यक्ति क्या होता है बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट है कॉर्डन, कॉर्डन मतलब होता है घेर लेना। इसको कैसे याद रखेंगे, तो डॉन के कार को क्या किया घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, डॉन के कार को घेर लिया, कॉर्डन, कॉर्डन मतलब घेर लेना। नेक्स्ट है एलियन, एलियन मतलब क्या होता है विदेशी पराया, विदेशी पराया, एलियन मतलब विदेशी पराया। अब देखो एक मूवी आया था कोई मिल गया, उसमें एक एलियन आया था, एलियन क्या था दूसरे ग्रह का था, तो उसको हम क्या बोलते थे एलियन है, मतलब जो दूसरे देश का होगा जो पराया होगा उसको हम क्या बोलेंगे एलियन, एलियन मतलब विदेशी और पराया। तो आज जो है हम 12 वर्ड जो है तैयार किए, आप इसको जो है एक बार ना हो तो दो बार देखो, ठीक है ना, और इसी तरह से लिंक करके हमको जो है, ठीक है ना, जोर जोर के वर्ड तैयार करने हैं, इसको रट्टा मार करके हम कभी तैयार नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस ढंग से अगर आप तैयार करते हो तो एक महीना में 30 में जो है आपका जो अगर डेली 15 वर्ड याद करते हैं तो 450 वर्ड तैयार होता है, और अभी आपके पास है 6 मंथ, 6 से 8 गुना करो लगभग जो है हमारा जो है 1200 से 1300 वर्ड जो है तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, और ये जो है 2024 के लिए मोर देन एनफ होगा, और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसको जो है लाइक करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के सेशन में।